बात अगर सेहत की हो या त्वचा और बालों की, इन सब के लिए एलोवेरा काफी फायदेमंद होता है। दरअसल एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और मॉइस्चराइजिंग गुण पाए जाते हैं जो बालों को मजबूत बनाते हैं। ऐसे में अगर बालों पर एलोवेरा लगाया जाता है तो इससे बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं। कहा जाता है कि चेहरे में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जाए तो चेहरे की कसावट बनी रहती है और बालों में एलोवेरा के इस्तेमाल से चमक तो आती ही आती है, साथ ही हेल्दी भी होते हैं। अपने बालों की सॉफ्टनेस शाइन को बढ़ाने के लिए कई लोग बालों पर रोजाना एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अति ज्यादा अच्छी नहीं होती। इसलिए जब कोई व्यक्ति बालों पर नियमित रूप से एलोवेरा लगाता है तो उसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर जिन लोगों को एलोवेरा से एलर्जी है उन्हें इससे अधिक नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप भी अपने बालों में एलोवेरा का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको रुककर सबसे पहले उनसे होने वाले नुकसानों के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन नुकसानों के बारे में। बता दें कि बालों में ज्यादा एलोवेरा इस्तेमाल करने से आपको सर्दी और जुकाम की समस्या हो सकती है। बहुत से लोग एलोवेरा जेल लगा कर रात में सो जाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इससे आपको सर्दी जुकाम जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप जरूरत से ज्यादा एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जड़ों में खुजली की समस्या हो सकती है और आपके बाल कमजोर भी हो सकते हैं, जिससे आपके बाल टूटने लगेंगे और खराब भी हो जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके बाल पहले से ऑयली हैं तो आपको एलोवेरा जेल का कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये आपके बालों को चिपचिपा भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप कोशिश करें कि एलोवेरा जेल को अपने जड़ों तक कम से कम जाने दें। एलोवेरा जेल हमारे स्कैल्प पर चिपक जाता है जिससे जड़ों में लेयर बनने लगती है और पपड़ी निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे में आपको एलर्जी का भी खतरा हो सकता है। वैसे तो सेंसिटिव स्किन के लिए एलोवेरा को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों को एलोवेरा से एलर्जी हो सकती है। इसलिए अगर आपको एलोवेरा से एलर्जी है तो स्किन के साथ ही बालों और स्कैल्प पर भी एलोवेरा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे आपको स्कैल्प पर फोड़े, फुंसियां और चकत्ते भी निकल सकते हैं। इसलिए कभी भी एलोवेरा का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। इस टिप्स पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसी और टिप्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।